वहीं जिले में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। विशेषकर गरियाबंद और मैनपुर विकास खंड में अधिक प्रभावशाली 40 मलेरिया रोगी जिन्हें उच्च चिकित्सा के लिए गरियाबंद जिला चिकित्सालय लाया गया था, उनमें 22 मलेरिया के मरीज गरियाबंद जिला अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं। यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक है क्योंकि उन्हें मच्छरों के काटने के बाद जिसे भी काटेंगे उन सभी को मलेरिया की बीमारी निश्चित होगी और पूरे गांव में मलेरिया प्रकोप फैलेगा। वही क्योंकि अभी ये मलेरिया के प्राथमिक उपचार में थे, यह एक गंभीर विषय है। प्रशासन को इन अधूरे इलाज वाले मरीजों को ढूंढकर पूरा इलाज करना चाहिए। इसे लेकर बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनकलाल ध्रुव भी काफी नाराज है और मलेरिया से पीड़ित बालक की मौत पर उसके गाँव पहुंचकर भी उन्होंने उसके परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त की। तो उनका इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ है, तो अभी भी जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो है उनके ब्लड में, तो उसको फिर मच्छर से फैलने का आशंका है। और दूसरा उनको भी तकलीफ है, उनको इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ है तो उनको फिर से फीवर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ बोल के हम लोग उनको रुकने के लिए बोले थे, लेकिन वो भाग गए। कितने लोग थे, कितने भाग गए? ये करीब 40 लोग थे, उसमें से 22 लोग अभी नहीं। अभी हम लोग जो संबंधित ब्लॉक में खबर कर दिए हैं, वो संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम लेके उनका पूरा डोज को कंप्लीट कराएंगे। मैनपुर में है, मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी में मलेरिया पीड़ित बच्चे की मौत हो रही है। तो दुरांचल स्थित दुरांचल क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, ये सब सोचने वाली बात है। यानी मलेरिया के हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही बुरा हाल है और स्वास्थ्य विभाग का लाचार व्यवस्था है। तत्काल सभी स्वास्थ्य अमला को तत्काल उस पर जुड़ जाना चाहिए और उसका समुचित इलाज करे।